हमारे साथ मौजूद हैं त्योथा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौशलेश द्विवेदी। उनसे बात की हमारे चीफ एडिटर जावेद अंसारी ने। पेश है उसके प्रमुख अंश। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। किसी जमाने में विंध में श्रीनिवास तिवारी के सबसे खास, सबसे करीबी, उनकी राजनीति को सबसे नजदीक से देखने वाले कौशलेश द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप त्योथर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कई चुनावों को आपने नजदीकी से देखा। आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं। कौशलेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है, विंध में आप कांग्रेस को कहां पर देखते हैं? भावी चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं, इसमें इस बार विंध्य प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही उम्दा रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में विंध्य में 12 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार जो पब्लिक का रुझान समझ में आ रहा है और कांग्रेस के नेताओं का पब्लिक से सीधा संबंध बनाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 20 से 25 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार विंध्य में जीतेगी। आप 20 से 25 सीटें बात कर रहे हैं, शायद इसीलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रीवा दौरा किया, कई विधानसभा में वो गुजरे, उन्होंने रोड शो भी किया। उसी का नतीजा है अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। दोनों के दौरे के बाद आपको क्या लगता है, फिजा में कुछ क्या बदलाव आया है? देखिए, राहुल गांधी जी के दौरे के बाद जो वातावरण बना है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे तूफान निकलने के बाद एक शून्यता पैदा होती है, उसी तरह से राहुल गांधी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शून्यता का वातावरण निर्मित हुआ है। और उस खाई को पाटने के लिए, उस शून्यता को पाटने के लिए अमित शाह विंध्य के दौरे पे आ रहे हैं, लेकिन अब विंध्य का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से ऊब चुकी है और कांग्रेस पार्टी को उसने स्वीकारने का मन बना लिया है। रीवा में अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग की नहीं की, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, आपको क्या लगता है पब्लिक मीटिंग उन्होंने क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उनको जो व्यापक जन समर्थन विंध्य में मिला, रीवा में मिला, ग्रामीण अंचलों में मिला, उसको देखते हुए यदि वो यहाँ सभा का आयोजन करते तो सभा उनकी निश्चित तौर से बहुत फीकी होती। उस फीकेपन को दबाने के लिए अमित शाह ने यहाँ पर पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रीवा में हैं। पिछले 3 विधानसभा से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, प्रदेश सरकार के वो वरिष्ठ मंत्रियों में भी शामिल हैं। उनको घेरने के लिए आपकी पार्टी ने क्या कोई खास तैयारी की है? देखिए, घेरने न घेरने का कोई सवाल नहीं है। हम पूरे मनोयोग से, कांग्रेस पार्टी पूरे मनोयोग से विंध्य की सभी सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और पिछले 1-2 पंचवर्षीय योजना जो बीती, इसमें राजेंद्र शुक्ला जी को कद्दावर का खिताब मिला, ये सब अस्थाई खिताब है। इस बार पूरा भ्रम टूटेगा और उस रिकॉर्ड पे पहुंचेगा जब कोई पहला चुनाव राजेंद्र शुक्ला जी लड़े थे और जिस तरह से बुरी तरह से पराजित हुए थे, कांग्रेस पार्टी से ही पराजित हुए थे, उसी स्थिति में आकर के वो फिर खड़े हो जाएंगे चुनाव में। पिछले कई चुनावों से ये देखा जाता था कि चुनाव आते आते कांग्रेस बिखर जाती थी, क्या इस बार ऐसा कुछ देखने में नजर आएगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। राहुल जी के दौरे के बाद जो कुछ भी थोड़ा सा मन में किसी के टिकट को लेकर के वातावरण बन रहा है, उसमें भी कोई गुंजाइश हम नहीं समझ पा रही। कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में ऑब्जर्वर बैठा रही है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता के
मतलब क्रियाकलाप के बारे में उसकी सीधी दृष्टि रहेगी, इसलिए कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। ये थे हमारे साथ कौशलेश द्विवेदी जी। आपका साफ तौर से कहना कि विंध्य में इस बार कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका आपका बहुत बहुत आभार।